दोस्तों, चामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक झटका मशीन दोस्तों रिपेयर होने के लिए आया है, और आपको यहाँ से देखिए एक केबल डाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बैटरी लॉ का इंडिकेटर दिखा रहा है, लेकिन हमारा झटका मशीन दोस्तों चालू नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी से डायरेक्ट अभी पावर लिया है। यहाँ पे दूसरी बैटरी मैंने यूज़ की थी, मुझे लगा शायद बैटरी हमारी शॉर्ट होगी। अब पहले यहाँ पे दोस्तों बाहर निकल लेता हूँ और यहाँ से झटका मशीन को पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पे इस मशीन को दोस्तों खोल लिया और एक बार आपको शायद दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी दोस्तों पहले पीसीबी को खोल लेते हैं पूरा। यहाँ पे दोस्तों पीसीबी को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे पीसीबी को खोल लिया हूँ दोस्तों, और यहाँ पे ये हमारा प्रॉब्लम बार बार आता है। यहाँ पे देखिए हमारा डायोड यहाँ पे जल गया है, और यहाँ पे हमारा एक IRF जो ट्रांजिस्टर है वो भी ख़राब हो चुका है 540, और इसे भी बाहर निकालेंगे। इसका बार बार ये दोनों शॉर्ट हो जाना रीज़न आपको मैं आज बताऊँगा दोस्तों, यहाँ पे किस किस कंपोनेंट को हमें बदलना होता है। यहाँ पे देखते रहिए मेरे साथ ये इस वीडियो में, और इसे पहले बाहर निकल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल चल गया है, पीसीबी भी चल गई है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम बार बार क्यों आता है, क्योंकि ये पीसीबी छोटी कर दी गई है। इस झटका मशीन में पहले जो आती थी वो बड़ी आती थी, अभी भी आ रही है, लेकिन झटका मशीन कम प्राइस में आप खरीदते हो तो ऐसे पीसीबी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाहर निकल लिया है, और निकलने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है, डायोड भी निकल लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। यहाँ पे दोस्तों आप झटका मशीन का काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो इसमें आपको दोनों डायोड और ये ट्रांजिस्टर दोनों को आपको ओरिजिनल डालना है, क्योंकि डुप्लीकेट भी मिलता है वो तुरंत उड़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इस डायोड को निकल लिया हूँ, और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डायोड मैंने लिया हूँ, और ओरिजिनल की दोस्तों आपको पहचान करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आँख जैसा आपको दिख रहा है ना, इसे ओरिजिनल डायोड हम मानते हैं, माना जाता है, क्योंकि डुप्लीकेट डायोड होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कन्फर्म करने के लिए दूसरा भी दोस्तों दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए दिखा, क्योंकि यह ओरिजिनल डायोड है। इससे मैं यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों IRF 540 ये ट्रांजिस्टर लिया हूँ, और यहाँ पे इसे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों, डाल दिया। अब सॉल्टिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डायोड से है ना उल्टा फिट हुआ है, यहाँ पे इसे वापस से दिशा में लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे सॉल्टिंग कर लेता यहाँ पे इसे दोस्तों कटिंग कर लेंगे इस पास। देखिए इसे टेस्टिंग करते हैं हम, यहाँ पे वायरिंग देखे। अभी यहाँ पे सब कुछ सही कर लिया है, और यहाँ से पावर को ऑन करता हूँ दोस्तों।
अभी भी हमारा झटका मशीन ऑन हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पावर पहले यहाँ पे चेक करेंगे 12 वोल्ट आता है यानी देखिए यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज ओके आ रहा है। अब यहाँ पे सभी हमने चेक कर लिया हो, और चेक करने के बाद यहाँ पे सब कुछ रजिस्टर और ट्रांजिस्टर सब कुछ चेक कर लिया। अब यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर कोयल को हम बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि फॉल्ट हमारा इसीलिए ऑन नहीं हो रहा है। पहले मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ और दूसरी नहीं यहाँ पे लगाता हूँ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे दोस्तों इसे दूसरी कोयल हम इसमें यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निशान कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके सामने दोस्तों देखिए ओके लिखा हुआ है, और ये अच्छा वाला ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसकी कोई यहाँ पे नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, लोकल है। यहाँ पे आपके सामने देखिए इस तरीके इसका नंबर आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे 540 के साइड आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूसरी यहाँ पे हमने ये बीटी कॉइल यहाँ पे डाल दिए, और हम चेक करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से पावर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड चल रही है, और यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए हमारा झटका मशीन ओके हो चुका है। और आपको कोई परेशानी है झटका मशीन में तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, देखिए ओके हो चुका है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।